बिटवा। हाँ ग्रैनी, खाना बन गया क्या? हाँ ग्रैनी, बस बन ही गया। तेरे ग्रैंडपा को बाहर जाना है। ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं? जा रहा होगा कहीं आवारागर्दी करने। एक काम कर, उसके लिए टिफिन पैक कर दे। ठीक है ग्रैनी। बाबू, कितने बजे तक वापस आओगे? आने में देर हो सकती है स्वीटी। ग्रैंडपा, ये लो, मैंने आपका टिफिन रेडी कर दिया है। अरे ना समझ लड़के, मैं टिफिन ले जाकर क्या करूंगा? हम लोग तो बाहर खाने वाले हैं। एक काम कर, तू ही से चट कर ले। बाबू, बस से ही जाना, 5 रुपए लगेंगे। अरे बस नहीं बेबी, मैं तो अपने दोस्त प्रीतु की मस्त एसी गाड़ी में जाने वाला हूँ। आराम से जाना। लव यू। लव यू टू स्वीटी। ये बुढ़ाऊ भी ना, अगर इसको ग्रैनी के डंडे का डर ना हो तो ये कभी घर भी ना आए। आवारा एक नंबर का। ओह नो। बेटवा, देख जरा तेरे ग्रैंडपा आए कि नहीं। नहीं ग्रैनी, अभी तक नहीं आए। कहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ चढ़ा करना आ रहा हो। बेवड़ा है एक नंबर का। पता नहीं बुढ़ाऊ कहाँ मर गया। वही तो, लगता है ग्रैंडपा आ गए। अरे थक के आया होगा मेरा बाबू। जानू, थक गए होंगे, ठंडे पानी से शार ले लो। ले बिटवा, इसे संभाल के मेरे कमरे में रख दे। इसमें क्या है? अरे इससे तुझे क्या लेना देना, इसको हाथ मत लगाइयो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। बिटवा जरा सुन तो। हाँ ग्रैनी। चल इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन ग्रैनी, ग्रैंडपा ने कहा है ना कि इसको छूना मत। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जा जाके कमरे में रख दे। ओके। मुझसे कुछ ही सीक्रेट है, ये हो नहीं सकता। अभी देखती हूँ बुढ़ो क्या लेकर आया है। मैं भी डिटेक्टिव ग्रैनी हूँ बच्चू। अरे मैंने इस ना समझ लड़के को कहा था कि मेरा सामान संभाल के ऊपर कमरे में रख दियो, पता नहीं इसने कहाँ रख दिया। बिटवा बिटवा। ओह नो। हाँ ग्रैंडपा। तूने मेरा सामान कहाँ रख दिया? मैंने तो तुझे मेरा सामान संभाल के रखने को कहा था। ये तो आप ग्रैनी से पूछ लो, क्योंकि ग्रैनी ने कहा था मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ये बाथरूम से कैसी आवाज आ रही है? चलो चल के देखते हैं। चल देखते हैं। अरे ग्रैनी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? बेटा उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहा है और खट्टा खाने का मन भी हो रहा है। अरे बाप रे। ओह नो। मेरी ग्रैनी को कुछ नहीं होना चाहिए। ग्रैनी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। चलो 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 कमरे में, चलो रेस्ट करो। ग्रैनी ध्यान से। अरे अचानक से क्या तो हो गया? अरे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया घूम रही हो। अरे स्वीटी, कहीं तुमने वो एप्पल तो नहीं खा लिए जो मैं कल लेकर आया था? हाँ, वो तो मैं रात को ही चट कर गई थी। क्यों, क्या हुआ बेबी? सत्यानाश। ग्रैनी भी ना, कुछ भी मिलता है ना बस ठूस लेती है। इस उम्र में वैसे भी कुछ हजम नहीं होता, उल्टियां हो गई ना। हेलो संत जी, आपने जो सेब दिए थे वो मेरी बीवी खा गई है और लगता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। ओह नो। क्या, मैं और प्रेग्नेंट? इसका मतलब ग्रैनी हुई प्रेग्नेंट? सेब खा के कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है? मेरे दोस्त प्रीतु के बच्चे नहीं हो रहे थे। कल हम एक संत के पास गए थे और उस संत ने उसे जादुई सेब दिए थे, जिस सेब को खाकर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती, और अब वो सेब तुम खा गई हो। इस उम्र में माँ बनूंगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी ये बूढ़ों और बुढ़िया मुझे चैन से जीने नहीं देते। बेबी आने के बाद तो मेरी रातों की नींद भी उड़ जाएगी। ओह नो। अरे ये तो उस बेबी का डायपर भी मुझसे ही चेंज करवाएंगे। खुशी तो देखो इस बुढ़ऊ की, जैसे पहली बार बाप बन रहा होगा। अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है जो उसने मेरी झोली खुशियों से भर दी। पता नहीं बॉय होगा कि गर्ल। अच्छा सुन बेटवा। हाँ ग्रैनी। बिटवा, 4 प्लेट गोलगप्पे, 2 प्लेट दही बल्ले विद खट्टी चटनी और 2 प्लेट भेलपुरी भी मंगा दियो। खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है ग्रैनी, मैं जकैटो से ऑर्डर कर देता हूँ। अब मुझे एक नहीं दो का खाना खाना पड़ेगा, बेबी का ध्यान जो रखना है। ग्रैनी, ग्रैंडपा और मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, 6 प्लेट कर देता हूँ। नो, प्रेग्नेंट तुम हो कि मैं, ये सब मेरे लिए है। बीवी और बेबी दोनों को अपना ख्याल रखना है। ओके।
खट्टा खाने की बहुत क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में। सुन बेटवा, स्लंडरीना को भी खुशखबरी सुना दे फोन करके। ठीक है ग्रैनी, फोन कर देता हूँ। आर कैसी हो स्लंडरीना दीदे? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? एक न्यूज सुनानी थी आपको, अब वो गुड है कि बैड वो आप खुद डिसाइड कर लेना। का हुआ, बुड्ढा बुढ़िया निकल लिए का? अरे उससे भी ज्यादा खतरनाक न्यूज है दीदे। अरे तू तो क्राइम पेट्रोल से भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बता जल्दी। ग्रैनी प्रेग्नेंट है। व्हाट? कब्र में जाने की उम्र में बुढ़िया बच्चे पैदा कर रही है। वही तो। कुछ शर्म लिया जाए कि नहीं? अरे छुटुआ मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रही। शिट, मुझे तो बाहर निकलने में भी इतनी शर्म आएगी, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे दीदी? मेरे लिए मामा और मौसी ला रही है इस उम्र में कम बखत। ग्रैनी ने कहा था मुझे आपको गुड न्यूज पहुंचाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपना फर्ज निभा। अरे ये कौन सी गुड न्यूज हुई? अभी इस गॉसिप को सारी जगह फैलाती हूँ, बेबी शावर में जरूर बुला लिया। ओके दीदी चलो बाय बाय। अरे ओ बेटवा, ग्रैनी जरा सुन तो। पहले बुढ़िया चैन से जीने नहीं देती थी, अब बैठे बैठे ऑर्डर दे रही है, ला रहा हूँ। अरे ओ बेटवा, ग्रैनी जल्दी से ये पालना साफ कर दे। ये क्यों? अरे बेबी के लिए बाबा, बेबी को इसमें सुलाया करेंगे, और अगर ट्विंस हो गए तो एक और पालने का ऑर्डर देना पड़ेगा। आई एम सो एक्साइटेड टू बी मॉमी अगेन। ठीक है ग्रैनी कर देता हूँ। अरे अभी कितने सारे काम पड़े हैं, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, हमें बेबी शावर भी तो करना है बिटवा। ठीक है ग्रैनी, इस उम्र में भी एक्साइटमेंट तो देखो बुढ़िया की। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, खटमल की खट्टी मीठी चटनी बना लेती हूँ। अरे कैसे हैं भैया जी? नॉट गुड मगर भाई। क्यों, क्या हुआ? अब ग्रैनी की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो भैया जी? क्योंकि ग्रैनी नन्ना मेहमान लेके आने वाली है। What? अरे ग्रैनी माँ बनने वाली है। लेकिन इस उम्र में कैसा पॉसिबल है? वही तो, लेकिन अब हादसा हो चुका है। पर आप काहे दुखी हैं भैया जी? बेबी के आने के बाद तो वो मुझे घर से निकालने ही वाले हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी यही सोना पड़ेगा। Oh no! Don't be sad भैया जी। चलो फिर चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। Okay, see you. ग्रैनी आप क्या सोच रही हो? बिटवा मैं बेबी का नाम सोच रही हूँ। लड़का हुआ तो शाकाल, लड़की हुई तो चंडालिका, प्रेतात्मा, गोस्टी, ड्रैकुला, डायना। वेरी नाइस, अच्छा है अच्छा है। One, two, one, two, one, two, one, two. अरे ग्रैनी इतना तेज क्यों चल रही हो? आपको पता नहीं है इस हालत में तेज चलना अच्छी बात नहीं। बेटवा डॉक्टर सन्नाटा ने मुझे चलते फिरते रहने के लिए कहा है, ताकि जच्चा और बच्चा हेल्दी रहें। चलो चलो कमरे में जाओ, मैं आपके लिए ताजा मेंढक का सूप लेकर आ रहा हूँ। ओके मेरी माँ, जाती हूँ। बाप बुढ़ा बनने वाला है और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। ऐसे लग रहा है कि बाप बुढ़ा नहीं, मैं बनने वाला। Oh no! अरे सारा खुद चट कर जाएगा क्या? Oh no! ग्रैनी नमक चेक कर रहा था। ये लो आपके लिए मेंढक का ताजा ताजा हेल्दी सूप। अभी टेबल पे रख दे। हाँ टेबल पे रख देता हूँ। बेटवा देख मैंने बेबी के लिए स्वेटर बुने हैं, बता 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 कैसे हैं? अरे वाह ग्रैनी, आपने बेबी के लिए स्वेटर तो कितनी मस्त बुनी है। क्या हुआ ग्रैनी? लगता है बेबी ने किक मारी है। बेटवा बेटवा जल्दी आ, बेटवा जल्दी आ। क्या हुआ ग्रैनी? लगता है बेबी के आने का टाइम हो गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। अरे वाह खुशखबरी आने वाली है। ठीक है ग्रैनी मैं फोन कर देता हूँ।
अरे बिटुआ तू, अरे किस लिए बुलाया है? अरे जीजू आप कब से डॉक्टर बन गए? अरे डॉक्टर सन्नाटा बिजी है तो उनकी जगह मैं आया हूँ, पार्ट टाइम जॉब पे लगा हूँ। वैसे कौन प्रेग्नेंट है? ग्रैनी। क्या इस उम्र में बुढ़िया प्रेग्नेंट कैसे? अभी वो सब छोड़ो, ग्रैनी दर से चिल्ला रही है, जल्दी चलो। हाँ वही चल। हाँ ओ जी आप लोगों बाहर रुकिए, मैं पेशेंट को देख लेता हूँ। ग्रैनी अंदर है। ग्रैंडपा बस कुछ ही देर में ना खुशखबरी आने वाली है। अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं डिलीवरी के वक्त ऊंच नीच ना हो जाए। ओ जी दम लगाइए दम लगाइए, लगता है गुड न्यूज आ गई है। ओह नो, अब आप जाके पेशेंट से मिल सकते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी जीजू? ये तो आप लोगों को माता जी ही बताएंगी। ग्रैनी आप ठीक तो हो ना? बिटवा अरमानों पे पानी फिर गया। मैं कोई प्रेग्नेंट ना हूँ, मुझे तो गैस हो गई थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जाना, तुमने तो वो एप्पल्स खाए थे। वही तो, माँ बनने के लिए मैं कितने एक्साइटेड थी। ओह नो। हाँ प्रे तू बोल, क्या तेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है? अरे मुबारक हो, लेकिन वो सेब तो मेरे पास रह गए थे। अच्छा तेरे पास थे, तो फिर मेरे पास कौन से थे? अच्छा वो कचरे में फेंकने के लिए थे, चल जो हुआ अच्छा हुआ। अरे माता जी ऐसा क्या खा लिया था आपने जो गैस बन गई थी? लगता है बुढ़ाओ के लाए हुए उन सड़े हुए सेबों की वजह से ही हुआ है। आ, फिर से गैस बन रही है। Oh, no. Hi guys, I hope आपको ग्रैनी की मस्ती देखकर मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड सब्सक्राइब करें मेरी न्यू चैनल मोहक मीत गेमिंग को, जिसमें मैं न्यू गेम प्ले और गेमिंग वीडियोज लाता रहूंगा। सो सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत गेमिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें, एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।